हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो हूँ आपके लिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड क्या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवाने वाला हूँ एकदम फास्ट में, एंड एकदम आपको पूरी तरह अच्छे तरह से समझेगा। इस तरह से मैं आपको ये वीडियो समझाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है कि लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म, मतलब लाइट जब है प्रिज्म से पास करती है, लाइट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। लाइट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। मतलब लाइट जब है किसी भी वाइट लाइट जो है किसी भी प्रिज्म में जैसे ही एंटर करती है, ठीक है, और एंटर करने के बाद जैसे ही वो सेवन कलर्स में स्प्लिट होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर डिस्पर्जन होता है तो वो किस तरह से होता है, विब क्योर, इन द फॉर्म विब क्योर। अगर आपको याद रखना है जो कलर्स के नाम, तो इसको याद रखिए, विब क्योर, VIBGYOR। पी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, ग्रीन, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येल्लो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, ठीक है। डेफिनेशन देख लिया आपने, व्हेन द लाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म, मतलब जैसे व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म में गई, ठीक है, स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जैसे स्प्लिट हो गई डिफरेंट कलर्स में, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, और इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, ठीक है, एंड मिनिमम वेवलेंथ इज ऑफ वायलेट कलर। रेड कलर बेंड्स द लीस्ट, इसलिए रेड कलर जो है कभी लीस्ट बेंड करती है, इसलिए इसको जो है रेड कलर को जो है ट्रैफिक जैसे एम्बुलेंस के गाड़ी के ऊपर वगैरह यूज़ किया जाता है, और जैसे जो भी रेड सिग्नल होता है ताकि दूर से भी दिखे, क्योंकि ये ज़्यादा बेंड नहीं होती, मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो है रेड कलर जो है मैक्स उसका जो वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, और रेड कलर ज़्यादा बेंड नहीं होता है, इसलिए दूर से भी हमें कोई भी लाल चीज़ जो है दिखाई दे देती है, ठीक है। वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है। उसके बाद ये टॉपिक आता है दूसरा, न्यूटन्स डबल प्रिज्म। अभी यहाँ पे एक प्रिज्म था, एक प्रिज्म से जैसे व्हाइट लाइट गई, उसने सेवन कलर में स्प्लिट कर लिया खुद को, ठीक है। तो अभी न्यूटन्स डबल प्रिज्म में क्या है, कुछ नहीं है, बस एक प्रिज्म था, उसने जब सेवन कलर में स्प्लिट किया खुद को, फिर उसके सामने जैसे ही हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, ठीक है, तो वो लाइट जब उस इन्वर्टेड प्रिज्म पे पड़ी, फिर वो जो क्या कन्वर्ट हो गई व्हाइट लाइट में, किसमें, व्हाइट लाइट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स डबल प्रिज्म। और न्यूटन एक पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि कोई भी बीम ऑफ लाइट अगर आप प्रिज्म में पास करेंगे तो वो सेवन लाइट्स में स्प्लिट होती है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये रेनबो फॉर्मेशन में आपको मतलब ये रहेगा। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब रेयरर से जब लाइट डेंसर जाती है तो वो जो लाइट है बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आप देख रही है नॉर्मल लाइन है तो ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल से एकदम पास में बेंड हो रही है, जैसे रेयरर से डेंसर में गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, कैसे बेंट हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयरर मतलब जो एयर मीडियम है, डेंसर मतलब जैसे भी कुछ भी हो सकता है, पानी, ठीक है, क्लाउड्स वगैरह, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम बात करेंगे, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रही तो आ रही थी लाइट, तो किस तरफ बेंड हो रही थी, टूवर्ड द नॉर्मल। अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से जो है रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो कैसे होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड होगी। अभी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द At the angle of incident at which the angle of reflection is 90 degree is called critical angle. अभी critical angle क्या होता है, देखो critical angle वो angle होता है कि the angle of incident at which the angle of refraction is 90 degree, मतलब ऐसा angle जैसे incident गिरा, ठीक है, और जिस एंगल पे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट जो है 90 डिग्री बेंड हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और टोटल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हमें चाहिए, ये क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन है। क्रिटिकल एंगल मतलब कोई भी इंसिडेंट रे, सपोज ये इंसिडेंट रे है, आफ्टर जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो जो है ना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, ना ही टूवर्ड्स फ्रॉम द
नॉर्मल बेंट होगी वो कैसी बेंट होगी, रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसमें इंसिडेंट रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बेंड होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अभी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है, द रे ऑफ इंसिडेंट हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर, मतलब रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करना होगा। ठीक है, ये सबसे पहले, एंड द एंगल हैज़ टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल को जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है 90 डिग्री का हो गया क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से जो एंगल अपना बड़ा है तो उसमें क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आपको समझ में आया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी होता है जब रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, एंड द एंगल, और ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल जो है हैज़ टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब 90 डिग्री से एंगल जो है ज़्यादा होना चाहिए तभी आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। अभी इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को समझ लिया, क्योंकि रेनबो में क्या होता है जब कोई भी वाइट में कोई भी लाइट जो है ड्रॉपलेट के अंदर जाती है तो वो अंदर ही टोटल, जैसे ही वो अंदर क्या होता है आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ही उसी में रेनबो फॉर्मेशन होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन किस किस की तरह से, मतलब रेनबो फॉर्मेशन के लिए ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कैसे होता है यहाँ पे देखिए, जैसे ही लाइट आई सबसे पहले क्या होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो सबसे हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि जब जैसे ही व्हाइट लाइट जाएगी वो क्या होगी 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, इसको क्या बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ व्हाइट लाइट आई, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है व्हाइट लाइट आई उसका डिस्पर्जन हुआ, ठीक है फिर देखो अभी ये खुद डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से ये एंगल ऐसा बना देता है कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहता है, देखो क्रिटिकल एंगल से सब ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है अंदर क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और जैसे ही बाहर निकलता है तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगा। अभी क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेना बाय विच द बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब बीम ऑफ लाइट इज रिफ्रेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, देखो ठीक है डिफरेंट डायरेक्शन इंटरैक्टिंग विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, मतलब मीडियम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फिर लाइट जो है उनसे टच में आती है, ठीक है तो फिर वो क्या हो जाती है धीरे 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 क्या हो जाती है छटते जाती है, मतलब स्कैटर होते जाती है। तो इसलिए देखो व्हाइट कलर में कहा रहता है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है तो हमें ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि वॉयलेट, ठीक है वॉयलेट जो है पहले स्कैटर हो जाता है, ठीक है ख़त्म हो जाता है, हमारे तक आते आते फिर वो क्या होता है ब्लू कलर ही हमें ज़्यादातर पूरे आसमान में ब्लू कलर ही दिखाई देता है, क्योंकि वही कलर जो है लास्ट तक रुकता है, ठीक है एंड उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हाई डज द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि होता क्या है देखो होता क्या है ब्लू स्कैटर्स अवे एज द सन अपीयर्स रेडिश, मतलब होता क्या है देखो ये तो फिर हो गया ये नॉर्मल का देख जिसका हो गया, अगर जैसे यहाँ पे क्या होता है जहाँ पे जब सन हमारे ओवरहेड पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है लेस ब्लू स्कैटर, मतलब यहाँ पे जो है जैसे सपोज यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, क्या है डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अभी इसमें होता क्या है स्कैटर जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ तक लाइट आ रही है, ठीक है तो क्या होता है बीच बीच में जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, मतलब सबसे पहले जो है वॉयलेट स्कैटर हो गया, ठीक है ख़त्म हो गया, ठीक है ब्लू स्कैटर हो गया, ठीक है हाई इंडिगो स्कैटर हो गया, ठीक है मतलब सब लाइट जो है स्कैटर होते जाती है और हमारे यहाँ तक आने तक, मतलब उस टाइम में सुबह के टाइम में क्या होता है मीडियम में सिर्फ जो है रेडिश कलर जो है उस टाइम पे जो है आसमान में वो बाकी सब जो है कलर जो है पहले स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है ब्लू स्कैटर्स अवे
पहले स्कैटर हो जाते हैं और सन या फिर स्टडीज। तो बची कौन सी, लास्ट में सबसे मिनिमम जो है जिसकी वेवलेंथ होती है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसी किसकी होती है, रेड कलर तक। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले जैसी लाइट जो है हमारे पास आ रही होती है, वॉयलेट स्कैटर हो जाता है, इंडिगो भी स्कैटर हो जाता है, ब्लू भी स्कैटर हो जाता है, ग्रीन भी स्कैटर हो जाता है, येलो भी स्कैटर हो जाता है, ऑरेंज और थोड़ा थोड़ा बहुत ऑरेंजिश कलर का भी दिखता है हमें आसमान, ऑरेंज और रेडिश इस कलर में उस टाइम पे हमें दिखता है, क्योंकि पहले बाकी के कलर क्या हो जाते हैं, सब स्कैटर हो जाते हैं और फिर हमें दिखता है जो जो हमें सन जो है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट हमें जो है रेडिश दिखता है, क्योंकि बाकी के कलर तो क्या हो गए, पहले स्कैटर हो गए। तो बचे कौन से कलर, रेड, और रेड कलर ही बचा तो उस टाइम पे, इसलिए ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट हमें जो है वो कैसे दिखता है, पूरा स्काई कैसे दिखता है, हमें रेडिश कलर में दिखता है, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे हमसे डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे हेड पे तो डिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। तो वो बस आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कुछ टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड कैसे लगा वीडियो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, टू मेक मी सच मोर वीडियोज़, बाय, टेक केयर।